वेलकम स्टूडेंट बेटा, एंट्रेंस लेक्चर सेकंड चैप्टर वही है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इस लेक्चर ये जो लेक्चर है एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा हमने, ठीक है ना आपके। अब इस पर्टिकुलर इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है बेटा, उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, आपने आपको बोर्ड लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अगर एंथैल्पी निकालना है, कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है उसके एंथैल्पी चाहिए आपको, बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में चाहिए। तो रिएक्टेंट बॉन्ड की एंथैल्पी जितनी भी आएगी उन सबका प्लस सम करना है और उसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट बॉन्ड की एंथैल्पी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसमें आपको असाइनमेंट जो मिलेगा इस टॉपिक पर, कुल 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, बाकी के 7 आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ, अब यहाँ पे देखो N2H4 की यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको पूछा है। ठीक है, और बाद में आपको कुछ बॉन्ड एंथैल्पीज दिए यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं N, दोनों N के बीच में जो बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड उसके एंथैल्पी दिए, दोनों H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड उसके एंथैल्पी दिए, दोनों N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसके एंथैल्पी दिए, और दोनों N और H के बीच में जो बॉन्डिंग है उसके एंथैल्पी दिए, और फिर बाद में आपको ऑप्शंस दिए। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है ना, सबसे पहले ये जो दिया है इसका फॉर्मेशन बोला है, इसका मतलब सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन तैयार करेंगे, बहुत जरूरी है बेटा। इस तरह से इसको सब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने ये मार्किंग कर दिया, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखना है हमने। सबसे पहले फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए आपको मालूम है इसको लिखना होगा प्रोडक्ट साइड में, ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अब बेटा ठीक है, इसके लिए रिएक्शन लिखनी है तो आपको मालूम है इसमें जो एलिमेंट्स है वही लिखने होंगे, N2 ये गैस फॉर्म में और H2 ये भी गैस फॉर्म में। इसको बैलेंस करना होगा, N2 तो बैलेंस ही है, H को बैलेंस करना, तो यहाँ पे लगा दिया हमने ट्वाइस। इस तरह से बेटा ये मास्टर रिएक्शन यहाँ पे तैयार हो गई। अब इसी मास्टर रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा XF फाइंड आउट करना है, बॉन्ड एंथैल्पी के परसेंट, मतलब इस रिएक्शन के एंथैल्पी निकालना है। निकालना तो फॉर्मेशन एंथैल्पी, लेकिन रिएक्शन के एंथैल्पी, ये रिएक्शन ही फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। ठीक है, तब सबसे पहले करेंगे क्या, तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए कि जो भी टर्म्स आपको दिए बेटा इसको एक्सपांड करना है। N को एक्सपांड करेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से एक्सपांड करना पड़ेगा। H को एक्सपांड करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H और ये दो बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से अब इट गिव्स N2H4, इसको एक्सपांड करना है N सिंगल बॉन्ड N, आपको मालूम है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड इस तरह से ओपन कर दीजिए। एच कितने बेटा, 4, इधर 2 लगा दीजिए और 2 इधर लगा दीजिए, इस तरह से आपने उसको एक्सपांड कर दिया। अब आपको लिखना है बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला, जो लिखा हुआ है, तो डेल्टा एच आर इक्वल टू समेशन डेल्टा एच रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन डेल्टा एच यहाँ पे प्रोडक्ट बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें रिएक्टेंट बॉन्ड्स, अब रिएक्टेंट्स दिख रहा है आपको कौन कौन से बॉन्ड्स है इसमें अवेलेबल, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट ओपन करने का। अब बेटा ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो है यहाँ पे सिंगल ही है, और N ट्रिपल बॉन्ड की एंथैल्पी यहाँ पे दी है, डायरेक्ट उसको देंगे 941 प्लस। उसके बाद बेटा H बॉन्ड H इसकी एंथैल्पी दी है, लेकिन ये बॉन्ड कितने हैं, 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे बेटा H बॉन्ड की एंथैल्पी 436 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया पूरा रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में बेटा यहाँ पे इधर अब ध्यान से देखिए, इधर NH कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4। ठीक है ना, यहाँ पे 4 बॉन्ड है NH1, तो NH बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी दी है, देखो इधर 398 दिए, 4 × 398 फिर प्लस। फिर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे N बॉन्ड N भी है, देखो N बॉन्ड N है ना, N बॉन्ड N ये भी है, सिंगल ही है, अब इसकी एंथैल्पी कितनी दी है बेटा,
इसको भी लिखेंगे आप 159 क्लोज कर, पूरे एंथैल्पी देखते हो गए, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे डायरेक्ट हमको आंसर मिलेगा, तो ये आ जाता है टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 941 प्लस इसने पहले एंथैल्पी जो दी है 941 प्लस टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको 6212 यहाँ पे 2 बचा 1 3 2 6 ये 7 अरे 4 2 8 ये यहाँ पे इसको 8 लिख दिया इस तरह से माइनस। अब इधर जो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 398 को, ठीक है 8 6 32 तो ये 2 बचे 3 9 6 6 12 7 और 4 2 8 माइनस अब बेटा इसमें 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 8 6 32 का ये 2 बचे 3 9 6 36 और इसका बचा 3 36 और 39 ये 9 3 4 3 12 12 13 15 ठीक है। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं 398 मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक है ठीक है। अब उसके बाद बेटा प्लस है 159 ठीक है, इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद डायरेक्ट हमारा ऐसा आ जाना चाहिए कि आ जाएगा 3 7 4 11 1 5 9 9 9 18 ठीक है। इधर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 10 11 9 5 4 5 6 7 8 माइनस कर लेंगे इसको 1 8 1 3 1 7 51 ये आ जाएगा 2 इधर में हो जाएगा ये 11 7 11 से 5 और ये हो गया 6 0 ये 0 ठीक है ना, मतलब 62 आना चाहिए ठीक है। तो बेटा ये 62 आपको देखना है कि यहाँ पे आंसर में क्या दिखाई दे रहा है ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है ठीक है, और उसको मार्क कीजिए 62 इस तरह से। इस तरह से बेटा सॉल्व करना है बॉन्ड एंथैल्पी का सम, एक ही फार्मूला है ठीक है, बस आपको रिएक्शंस लिखते आने चाहिए, और जब भी रिएक्शन लिखेंगे आप उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब कंप्लीट बॉन्ड दिखने चाहिए और ये मस्ट है ठीक है ना, तो ही आप इस फार्मूले को मतलब इस इंप्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी जो सेकंड सम है उसको देखिए बेटा, इसमें बॉन्ड एंथैल्पीज दी है सी एच इस बॉन्ड की, सी ओ इस बॉन्ड की और ओ एच इस बॉन्ड की, तीन एंथैल्पीज है। उसके बाद में यहाँ पे वेपराइजेशन एंथैल्पी दी अलग से 35 ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछा मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी एच थ्री ओ एच लिक्विड इज, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ठीक है ना। अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं ठीक है ना, तो इधर देखिए बेटा पूछा क्या आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में ध्यान में रखिएगा, एटमाइजेशन के लिए जब भी हम कोई कंपाउंड लेते हैं, जब भी कोई मॉलिक्यूल लेते हैं ठीक है ना बेटा, ये किस फॉर्म में चाहिए, गैसियस फॉर्म में चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में है ठीक है। इधर देखिए हमको पहले मास्टर रिएक्शन लिखनी होगी तभी हम इस बॉन्ड एंथैल्पी को यूज कर सकते हैं, तो बेटा इसमें हमने सी एच थ्री ओ एच लिखा ठीक है, मतलब हमें ये किस फॉर्मेट में चाहिए, गैस फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये गैस फॉर्म में तो है ही नहीं, लिक्विड फॉर्म में पूछा है आपको ठीक है ना, ठीक है बराबर है। तो वेपराइजेशन एंथैल्पी हमको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, वेपराइजेशन एंथैल्पी क्या वेपराइज करना है इसको ठीक है ना, तो इसमें तो इसको वेपराइज करना है तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम, लिक्विड इट गिव्स सी एच थ्री ओ एच गैस ठीक है ना,
पहले लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में लेके आना, वेपराइज करना। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी यूज हो रही है, इस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा एच वेपराइजेशन। कितना यूज हो रहा है बेटा ये 35 किलोजूल। ठीक है, कितना यूज हो रहा है 35 किलोजूल। लिक्विड को हमने गैस में पहले कन्वर्ट किया क्योंकि एटमाइजेशन के लिए गैस पूछे थे। अब इस गैसियस इसको एटमाइज करना है, मतलब एटम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे होगा, कार्बन सॉलिड, ठीक है ना, बराबर है, जैसे गैस फॉर्म में लिया, गैस फॉर्म में, ठीक है ना, इसको लिखते थे कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसा लिखते थे, ठीक है। अब बेटा ये ऑक्सीजन सिंगल रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन चार है इसका फोर और कार्बन ये सिंगल सिंगल आइटम में सब बन गए और सभी के सभी गैसियस फॉर्म में ही बनते हैं, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंथैल्पी रहेगी डेल्टा एच, ठीक है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए इसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, मास्टर रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा इसमें, CH3OH गैसियस फॉर्म में, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में 4H, उसके बाद में O, ठीक है ना, बराबर है। तो इसमें ठीक है, अब इसको हमको एक्सपांड करके लिखना है। यहां पे बेटा 3H है, 3H आप इस तरह से लिखेंगे, एक बॉन्ड इसका ऑक्सीजन के साथ है और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, बाकी तो सिंगल सिंगल एटम में ही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, इतना ही है, ठीक है। अब इसके बॉन्ड एंथैल्पी निकालना अपने को, तो डेल्टा एच आर, ठीक है ना, समेशन डेल्टा एच जीरो रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन डेल्टा एच जीरो प्रोडक्ट बॉन्ड, बराबर है। अब इसमें ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट बॉन्ड में सी एच बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, तो सी एच बॉन्ड के एंथैल्पी कितने बेटा 4, ठीक है, ये लिखना होगा आपको 4 4, कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड है, मल्टीप्लाई 4 1 10, ठीक है, 4 1 0 प्लस, फिर कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है बेटा आपको, सी ओ बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सी ओ बॉन्ड के एंथैल्पी कितनी है 350, ये लिखना पड़ेगा 350, ठीक है। उसके बाद और कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है बेटा, ओ एच, ये ओ एच बॉन्ड के एंथैल्पी दी है, ये कितना हो जाएगा 460, ठीक है, फिर माइनस। अब बेटा प्रोडक्ट बॉन्ड अभी तक तो कोई है ही नहीं, है जो भी है सब एटम है, किसी के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं, सब इंडिविजुअल एटम है ना, ये सभी के सभी क्या है, ये एटम है, किसी के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं, ठीक है, इस वजह से ये क्या रहेगा जी, उधर कुछ लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 3 1 3 और ये 12 प्लस 3 50 और ये 460, उसका ऐड कर देगा तो 0 0 0 ये 0 आ जाएगा, ये 6 11 11 12 13 14 मतलब ये 4 1 बचा, तो ये 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और ये 2 10, ये हो गया 2 0 4 0, अब ये एंथैल्पी आ गई किलो जूल। अब बेटा ये आया सिर्फ इसका एटमाइजेशन एंथैल्पी, जब CH3OH गैसियस फॉर्म में हो तब, लेकिन पूछा क्या बेटा लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए लिक्विड से गैसियस में जाने के लिए ये भी एंथैल्पी से, इसीलिए देयरफॉर आंसर क्या रहेगा बेटा, आंसर तो रहेगा, ठीक है ना, डेल्टा एच रिएक्शन फॉर, ठीक है, फॉर CH3OH लिक्विड इज कितना रहेगा 2040 प्लस 2040 प्लस 35, ये हो जाएगा टोटल 2075 किलो। आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये वाला, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चंस यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और बताइए कोई डाउट अगर आता है, ठीक, थैंक यू।